हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ तहसील सदर लखनऊ में इस समय। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से आज कटिंग को लेके जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका व्यू आपको दिखाती हूँ। कि आप पूछते हैं कि मैं कहाँ से लेके आती हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, दिखा दूँ पहले थोड़ा सा आपको। ये देखिए, तो मैं आज यहीं से लेके जाऊँगी कटिंग को। तो यहाँ पर ढेर सारी कटिंग हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है। तो सुबह सुबह ही चाय पी के मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए हम अब कटिंग को लेते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि कई दोस्त हमारे बोलते हैं कि कटिंग नहीं मिलती है, तो मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए, सदर तहसील लखनऊ जनपद, तो इसमें मैं आ चुकी हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, कटिंग जब लूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें छोटा सा गार्डन भी है, तो इसमें मैं अब प्रवेश कर चुकी हूँ। और देखिए, यहाँ से मैं आ चुकी हूँ। और एक यहाँ पे गार्ड खड़े थे, तो बोले मैडम बहुत दिन पे आ रही हैं। तो मैंने बोला हाँ बहुत दिन पे आ रही हूँ। तो बोले मैडम जो भी कटिंग चाहिए आपको ले लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, देखती हूँ कौन कौन सा कटिंग है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मुझे ये एक जोड़ा दिख गया। आप देखिए, ये मुझे एक जोड़ा दिख गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए, उन्होंने बोला कि मैं खुद ही काट के आपको दे दे रहा हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं ले लूँगी। तो देखिए, एक जोड़ा की कटिंग मैं ले रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आपको पता ही है, और महंगा भी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं कटिंग को लेती हूँ। देखिए, ये देखिए। और मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी कटिंग के लिए मना नहीं करता है। मैं जैसे ही इसमें एंट्री की हूँ, उन्होंने तुरंत बोला कि मैडम आप बहुत दिन पे आ रही हैं। तो मैंने बोला कि हाँ मैं नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा एक जोड़ा में फ्लावरिंग होने वाली है। तो मैं ये सब कटिंग को ले रही हूँ। और देखिए, कटर को लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, कटर को मैं ले के ही आई हूँ। ये देखिए, इतना सारा एक जोड़ा की मैंने लिया हुआ है। तो कटर को लेके आने से ही फ़ायदा है कि हमें कटिंग ढेर सारी मिल जाएगी। और अगला एक मैं ये कटिंग ले ले रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए, दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए तहसील सदर जनपद लखनऊ। देखिए, तो यहाँ पे कर्मचारी लोग अभी एक दो हैं, और उन लोगों ने बोला है कि मैडम ले लीजिए, या तो मैं कट करके आपको दे दे रहा हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद ही ले लूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए, एक जोड़ा की ढेर सारा ले जा रही हूँ, बहुत महंगे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैं अपने गार्डन में वहाँ पे जौनपुर में भी ले जाऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा एक जोड़ा को ज़्यादा ही ले रही हूँ। और इन्होंने बोला कि अभी मैं कटिंग भी करूँगा मैडम। तो चलिए, अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा मैं लेती हूँ फ्रेंड्स। और देखिए, कितने सारे पॉट को भरने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी रखा हुआ है। अगर आप बोरी वगैरह लेके आते हैं, तो आप ढेर सारे प्लांट की कटिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए, देखती हूँ कि क्या क्या मैं आज यहाँ से ले जाती हूँ। तो वो जो भैया हैं, वो तुरंत ही पहचान गए और बोले कि मैडम ले लीजिए। और ये देखिए, तुलसी जी हैं। तो ये फ्रेंड्स, इलायची का पौधा है, आप देख सकते हैं। और ये जड़ से नहीं उखड़ता है, नहीं तो मैं इसे ज़रूर ले जाती, ये इलायची का पौधा। और इधर ये सब गुलाब है, और ये सब कटिंग हो गया है। और ये आपको पता ही है, प्लूमेरिया चंपा। तो चलिए, मैं आज आपको, और ये सब देखिए फ्रेंड्स, कितने फूल गिरे हुए हैं। ये देखिए, कितने बड़े बड़े इसके फूल हैं। ये देखिए, बहुत सारे फूल गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने कटिंग कर दिया है। गुड़हल की भी कटिंग हो गई। और ये तो मुझे फर्टिलाइज़र के लिए देख के ही लालच आ रही है, कि घर में अगर ये सब रहता तो मैं कितने गमले को भर लेती फ्रेंड्स। तो ये भी गुड़हल की कटाई हो गई है, और बिल्कुल जंगल जैसा लुक ले लिया है। और अभी तो मुझे केवल वही एक दिखा है, एक जोड़ा
और ये आम देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी भी बौर आया हुआ है। ये देखिए, ये बारहमासी आम है फ्रेंड्स। तो इसकी भी मैं एक कटिंग को तो ज़रूर लूँगी ताकि मैं भी इसको लगाऊँ। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं कट करूँगी। ये देखिए, ये बहुत ही महंगा मिलेगा लेकिन मैं इसे ले ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, तो एक मैंने बारहमासी आम की कटिंग भी ले लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, तो देखा फ्रेंड्स आपने कि मैंने बारहमासी आम को भी ले लिया जिसमें कि अभी बौर आया हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगी। और ये चांदनी वगैरह तो मैंने लगाया हुआ है तो इसे नहीं ले रही हूँ। और ये देखिए मोरपंखी कितना सूह है। तो नवरात्रि में फ्रेंड्स ना, ढेर सारे इस तरीके से प्लांट की कटिंग को आप ले लीजिए, कोई भी नहीं मना करता है फ्रेंड्स। कटिंग को हम लेंगे और पूछ लेते हैं तो सबसे अच्छा है। मैंने जैसे एंट्री किया और वो भैया मुझे दिख गए, बोले मैडम जाइए ले लीजिए, तो मैं आ गई हूँ। और देखिए इधर भी अभी जाके लूँगी। तो अभी तो मुझे एक जोड़ा मिला है और बारहमासी आम का मिला है फ्रेंड्स। और अभी तो मुझे कोई भी खास नहीं दिख रहा है और ये भी मुझे आम ही लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और इधर देखिए ये सब प्लांट है और मेरे ख्याल से इन लोगों ने सभी प्लांट की कटिंग भी कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और देखिए लेडी पाम कितना फैला हुआ है, तो जड़ से निकालना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। और ये देखिए गेंदा, इन लोगों ने कितना डाला हुआ है, तो ये सब सीड निकल जाएगा। और ये भी मुझे एक आम ही लग रहा है। और ये पता नहीं कौन सा है फ्रेंड्स, सभी पौधे समझ में भी नहीं आते हैं कि कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आज यहाँ से केवल दो ही कटिंग हमने लिया है और वो भी एक आम का और एक एजोरा का। और मुझे कुछ समझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। और एक सोच रही हूँ कि आम की और एक डाली ले लूँ, तो ये सब मुझे पुरानी डाली ही दिख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो मैं एक यहाँ से और हमने आम का ले लिया, ये देखिए जिसमें कि आम का बौर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने दो आम का भी ले लिया फ्रेंड्स और इसको मैं लगा दूँगी क्योंकि ये बारहमासी आम है फ्रेंड्स, तो ये लग जाएगा अच्छे से। और मैं सोच रही हूँ कि इसका पुराना ब्रांच लूँ फ्रेंड्स ताकि वो लग जाए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुराना ब्रांच कौन सा। ये देखिए फ्रेंड्स दिख गया है और सब भैया को दिखा दूँगी कि मैं ये सब लेके जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स आम का बौर भी आया हुआ है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग को लेके अब जा रही हूँ और आज मैंने बारहमासी आम और एक जोड़ा कटिंग लिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इतना मैं लेके जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज मैं एक जोड़ा और बारहमासी आम की कटिंग लेके जा रही हूँ इस गार्डन से। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त हमारे बोलते हैं ना कि कटिंग नहीं मिलती है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आज मैंने इसीलिए कटिंग को लेते हुए ही वीडियो बनाया हुआ है। और मैं कल फिर आऊँगी आंवले का और जो थोड़े अच्छे अच्छे प्लांट हैं इन सब की कटिंग को लेके जाऊँगी। देख सकते हैं आज थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो कल मैं एकदम 6 बजे ही यहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और वो भैया वहाँ जो दिख रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं, वही भैया हैं। कल बोले हैं कि गोबर का खाद भी मैडम हम आपको भर के रखेंगे और दे देंगे, आप बोरी बस लेके आइएगा। देखिए वो वाले भैया हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी नहीं बोलता है इस तरीके से, आप आ जाइए। और देखिए ये देखिए, अभी एंट्री गेट से मैं जाऊंगी, वहाँ से भी कटिंग लूँगी। और देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो बस ऐसे ही मैं कटिंग को लेती हूँ और ढेर सारे अपने गार्डन में ऐड करती हूँ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आज की ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।
तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई प्लांट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।